क्या बात करेंगी आप मुझसे? वालिदा सुल्तान ने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आज के बाद वो मेरे साथ ज्यादती नहीं करेंगी, ये फरमाया है। अच्छा है। क्या अच्छा है, ऐसा कैसे हो सकता है? जाहिर है उनकी कोई चाल है। दाया, ये सब क्या हो रहा है तुम्हें तो मालूम होगा। मुझे कुछ मालूम नहीं मल्लिका, लेकिन हर बात को मनफी ना ले। वालदा सुल्तान आपकी अहमियत को समझती है, आपसे मुनासिब ताल्लुकात बनाने की ख्वाहिश बंद है शायद। नामुमकिन, ये सब ड्रामा है, मुझे मारने के लिए एक खेल खेल रही है, वो धोखा दे रही है। जो कहा सब समझ गए? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें वालदा सुल्तान, हर लफ्ज महफूज कर लिया है दिमाग में अपने। फातिमा खातून, तुम? आपके हुक्म की तामील करूंगी, फख्र महसूस करूंगी इसमें। एहतियात करें, हमारी गुफ्तगु किसी को मालूम नहीं होनी चाहिए, ये एक राज है, वरना सबसे पहले तुम दोनों की कन उड़ाई जाएगी। हिजरत का वक्त आ गया है। वालदा सुल्तान हमें नाउम्मीद नहीं करेंगी इंशाल्लाह। आमीन। हमारी कितनी उजरत बढ़ी अभी है। कुछ बताया नहीं। फिक्र की बात नहीं, वालदा सुल्तान को हमारा एहसास है बेहतर होगा। लड़कियों, कितना इजाफा किया वालदा ने। खामोश भी रहो, बता तो रहो मैं। या सबूर या रहीम, वालिदाए सुल्तान ने तुम सबका ख्याल रखते हुए सालाना वजीफे में माहाना 50 अशरफियों का इजाफा किया है तुम सबके लिए। कल तक तुम सबकी तनख्वाह आ जाएगी इंशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे वालिदा को। तुम खुश ना हो फिदान खातून, तुम्हारा नाम नहीं है। वो क्यों? और सिर्फ तुम ही नहीं, हुलिया खातून, निसा खातून, दिलरुबा खातून और निरेमान खातून भी शामिल हैं। ये कैसे हो सकता है? लो खुद देख लो। हमारा जुर्म क्या है, हमारी उजरत क्यों नहीं? हुरम सुल्तान का पीछा जब तक नहीं छोड़ोगी तो यही होगा। अहा, क्या मतलब? सच नहीं क्या, हुरम सुल्तान की खुशी के लिए हर तरह की चालें चलती रहीं तुम लोग। अगर उस वक्त सोचा होता तो आज ये ना होता। क्या कह रही हो तुम? हम पर इल्जाम है, हमारा कोई कसूर नहीं है। इंसान है हम पर, ऐसा नहीं होने देंगे हम। अरे बंद करो ये शोर, बस बहुत हो गया। ये बिल्कुल ठीक नहीं है गुलाखा, मुझे कोई अच्छे आसार नहीं लग रहे। हम सबको होशियार रहने की जरूरत होगी। आप परेशान ना हो मल्लिका, आपकी और आपके बच्चों की हिफाजत के लिए हम सब कुछ करेंगे। ठीक है। मलिका, क्या हुआ, कैसे आई? मालूम है आपको, कल उजरत का दिन है, साल पूरा हो रहा है, सबकी उजरत में इजाफा हुआ, हमारे लिए कुछ नहीं। क्या मतलब है इसका? आपकी खिदमत और वफादारी की सजा दे रहे हैं हमें, हम सबका नाम लिखा हुआ है। देखूं जरा इसे। हाय मेरे अल्लाह, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। मलिका, मलिका हमारी मदद करें, हमारा हक दिलाएं हमें। फिक्र ना करें, मैं असल वजह मालूम करूंगी, हक तलफी नहीं होने दूंगी किसी की भी। अल्लाह आपको खुश रखे मलिका,
मरते दम तक आपके लिए दुआ गो रहेंगी। आमीन। अब तुम सब जा सकते हो। देखा तुमने लड़कियों, अब अक्कल से काम लेना, सही रास्ता ना छोड़ना। हुरम सुल्तान खफा नहीं होंगी क्या? खफा क्यों होंगी, वालदाए सुल्तान ने जब ये मुनासिब समझा है तो किसी को क्या। खामोश हो जाए, वो आ गई। क्या हुआ, शिकायत की है हमारी तुमने? तुम अपना काम करो ना। अगर फरमा बरदारी करोगी तो तुम लोगों को उजरत भी ज्यादा मिलेगी, बता रही हूँ। हमें ना समझाओ, हुरम सुल्तान ने मामला अपने हाथ में ले लिया है, वालदा से बात करके मसला हल करेंगी, ज्यादा उजरत मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जरूर करेंगी। बिल्कुल करेंगी, हर किसी के साथ अच्छी है हमारी मलिका, खास तौर पर वो अपने खिदमतगारों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी बल्कि हिफाजत करेंगी। वालिदा। खुश आमदीद हुरम, आओ। आप ठीक हैं वालिदा? ठीक हूं, शुक्र है। और तुम? कुछ देर पहले मुझे एक खबर मिली, कुछ उलझन है, सोचा कि आपसे मिलकर असल वजह मालूम कर ली जाए। क्या है वो? कुछ कनीजें मेरे पास आई थी शिकायत लेकर, इस बार उनके सालाना वजीफे में इजाफा नहीं हुआ, मायूस है वो, उनको हक नहीं मिला, मुझसे मदद मांग रही थी। उनकी ये मजाल कैसे हुई, बेअदब। उन्हें अलग क्यों किया गया वालिदा, मैं जानना चाहती हूँ। कोई खास वजह नहीं है, खिदमत में कोताही करने वाली कनीजों, कालफाओं और आगाओं के लिए है ये सजा। उनका कसूर क्या है आखिर, यही कि मेरे करीब है। इसकी वजह तुम नहीं हो, और वैसे भी यहाँ कोई किसी के करीब नहीं होता है, हर एक की अपनी जिम्मेदारी है। हर कोई जिम्मेदारी निभा रहा है, ये उनके साथ इंसाफ नहीं है। अगर उनको इंसाफ नहीं मिला तो ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा, इस तरह हरम का निजाम बर्बाद होगा। हुरम, तुम्हारे साथ दोस्ती का मतलब इस हरम का निजाम तुम्हारे साथ संभालना हरगिज नहीं है। फैसला आपका होगा वालिदा, मैं तो सिर्फ आपके पास इंसाफ मांगने वाली कनीसों की फरियाद लेकर आई हूँ। فاطمه خاتون یاری با اگر دکید تو خدی که هرشل من دکی گوتن لی بکچه کن اما نداماون وازیان لی بینا چون که متکانیان پینا دراو بیانو دگرن بم نزی کانه لکوشک داریانکن والا داریانکن هروه بیر بکنو خورم سلطان خواهن قصهان لگل کردین سبای ایمش بقدر ایو موچه ورده گرین خیالی خوش مکا دل نیم یک لیرشتن ندنه استالاده چی یازو لدم آگا تن لیه چن بی ادبا او تو بکی دلی بی ادب با تو دلیم کچه دم هراش با من دلی دم هراش است خود دبینی بابا
اما چه حالکه؟ او ایوه چی دکن؟ اوان دستیم پی کرده خاتون زهری اندائیم که؟ بختان دکت دلن ایمه کنیزی خورم سلطان این دبی قصقص ایمه بید درو مکه بیدن بن لحمام شنه دروه کس لره نبینم خواردنشتان پی ندرید بلام ده خاتون دلن برون خیرا کن اجرت والا مسئلہ تو بہت سنگین ہو گیا ہے والدہ حرم میں لڑکیوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے میں کل دیکھوں گی سب کو کب تک روک سکیں گی انہیں والدہ سلطان آپ اس ہنگامے کا نتیجہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے روکنا نہیں ہے چھوڑو لڑنے دو ایک دوسرے سے حرم کو کسی صورت حرم پر قابض نہیں ہونے دیں گے بلکہ چاروں طرف ایسا ہنگامہ مچاؤ کہ وہ سانس بھی نہ لے سکے والدہ سے تمہاری صلح کی خوشی ہوئی مجھے کیونکہ میں اب حرم میں بالکل سکون چاہتا ہوں میں بھی حیران ہوں ہم نے ساتھ کھانا کھایا آج کے بعد میرے ساتھ زیادتی نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے انہوں نے یہی تو چاہتی تھی نا تم میں اتنے دکھ جھیل چکی ہوں کہ اب ان پر یقین نہیں ملکہ دکھ ختم ہو گئے پورے دن جا چکے ماضی کا مستقبل پر سایہ تک نہ پڑنے دو اب تمہیں شکر اور اطمینان سے رہنے کی ضرورت ہے پرانی باتوں کو فراموش کر دو قطار میں لڑکی آفرین چلو دو چلو آگے بڑھو آگے بڑھو بس کم ہے یہ تو اس دفعہ تو زیادہ کا کہا تھا آپ نے کیسے کم ہو سکتے ہیں 50 اشرفیاں زیادہ ہونی چاہیے تھی ہاں معلوم ہے مجھے زیادہ نہیں ہے پچھلے سال کی جو اجرت تھی وہی ملے گی تم لوگوں کو یہ کیسے ہو سکتا ہے والدہ سلطان نے کیسے کاٹ لی ہماری اجرت انہوں نے زیادہ دینے کو کہا تھا جان نہ نکل جائے کیا ہوا کل تو بڑا چیخ رہی تھی اس کی قصوروار والدہ سلطان نہیں ہے لڑکیوں حرم سلطان ہے وہ کیسے کیسے کیا مطلب کل انہوں نے بات کی تھی والدہ سے انہوں نے رکوا دی ہے یقیناً اچھا ہوا ہمیں نہیں ملتی تو تمہیں بھی نہیں ملے گی سب کے ساتھ انصاف ہو گیا بہت غلط ہے یہ بند کرو یہ ہنگامہ زبانیں کیسے چلتی ہیں تم لوگوں کی اپنی تنخواہ لو اور جاؤ نہیں آغا ہمیں یہ تنخواہ نہیں چاہیے تو نہیں ہو گئی کیا کر رہی ہیں یہ لوگ ارے یہ لوگ احتجاج کر رہی ہیں ملکہ گلاخا ماشاءاللہ ٹھیک ہیں آپ یہ کیا ہو رہا ہے یہ آوازیں کیسی ہیں مت پوچھے ملکہ کنیزوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے انہیں کیا تکلیف ہے پتہ نہیں ملکہ جیسے ہی شور سنا تو بھاگتا ہوا یہاں آ گیا یہ سوچ کر کہ آپ کو کچھ ہو نہ گیا ہو چل کر دیکھتے ہیں ذرا اپنے کمرے سے نہ نکلے تو بہتر ہے کیا ہو جائے گا اسمہ دیکھو بچوں کو اکیلا نہ چھوڑنا اور دروازہ اچھی طرح بند رکھنا چلو
हुरम सुल्तान का किया धरा है ये सब। आवाज उठाओ, अपना हक मांगो। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। खुद तो दौलत में खेल रही है और हमारी उज्जत पर नजर रखती है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत। लड़कियों ये सब ना करो, ये कोई हल नहीं है। गलत कर रही हो तुम सब, अल्लाह इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। आवाज चुप रहे आप, अपना हक मांगना कब से जुर्म हो गया? अब क्या होगा, अपना हक जरूर लेंगे हम। ये क्या कर रही है? कहाँ जा रही हो दाया? मलिका, इन सब को सबक दूंगी। हद से बाहर हो गई है अपनी। छोड़ दो दाया, जितना चाहे चिल्लाने दो इन्हें। लड़कियों खामोश हो जाओ, चुप करो, ये हंगामा खत्म करवाओ। लड़कियों खामोश हो जाओ, खामोश। मलिका आई हुई है यहाँ। अब चलती दुना नहीं है क्या? क्या चाहती हैं आप हमसे? किसने तनख्वाह कम कर दी? तुम्हें तो मैं वल्लाह तुम्हारी जुबान खींच लूंगा अभी। तनख्वाह चाहिए हमें, वरना आग लगा देंगे यहाँ। खामोश, खामोश हो जाओ, सुनो मेरी बात। शोर मचाने से मसले हल नहीं होंगे। क्यों तनख्वाह कम करूंगी मैं? मेरी कोशिश ये थी कि सबको बराबर का हक मिले। झूठ, ये बिल्कुल झूठ है। बस हमें तनख्वाह दे दीजिए। हमें तनख्वाह चाहिए, जश्न में तो बहुत सोना निझावर किया। अब हमारे लिए खत्म हो गया क्या? हमें तनख्वाह चाहिए। मैं कहता हूँ रुक जाओ वहीं। क्या हो गया तुम लोगों को? मैं कहता हूँ रुक जाओ, रुक जाओ, चुप हो जाओ, रुको, रुको, हटो, रुक जाओ, कुछ नहीं होगा तुम लोगों का। अभी तो इब्तिदा है हुरम, तुम हरम पे कब्जा नहीं कर सकती, बल्कि यहाँ तुम्हारी कब्र बनेगी। आहा, ये हंगामा थम जाना चाहिए फौरन। हर कीमत पे खामोशी चाहिए मुझे, वरना जिंदान में डाल देंगे। ये सब वालिदा का खेल है, इन सबको मेरा दुश्मन बनाना चाहती है वो। मुझे लगता है कि वो अभी से कामयाब हो गई है मलिका। वो समझ रही है कि कामयाब हो जाएंगी वो, लेकिन ये खेल खराब कर दूंगी मैं। गुलाब क्या करेंगी मलिका? ये जान लो कि मलिका हमेशा ख्याल रखेंगी तुम लोगों का। आओ लड़की, मलिका कभी भी किसी को भी बेआसरा नहीं छोड़ेंगी। आओ लड़की, ये इजाफी रकम मलिका जाती हिस्से में से दे रही हैं उजरत के अलावा, जो बहुत अहम है। सब खुशियां मनाओ। आ जाओ लड़की, बस जाओ। अल्लाह आपसे राजी हो मलिका, आपकी हर मुराद पूरी हो। आमीन। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के साथ की भी हर ज्यादती का अजाला किया जाएगा। मैं हमेशा साथ हूँ तुम लोगों के। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे मलिका। आमीन। आप खुशियाँ देखे मलिका। आपको बहुत खुशियाँ मिले मलिका। आपकी हर मुराद पूरी हुई। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे मलिका।
गुलागा मलिका। दाया खातून, क्या ये सब ठीक है? पहले ही उजरत नहीं दी, ऊपर से ये सजा। यही शुक्र करो कि महल से नहीं निकाला। अब जरा भी आवाज निकाली ना तो देखना क्या करती हूं तुम लोगों के साथ। क्या हुआ, शिकायत की है हमारी तुमने? हुरम सुल्तान सलामत रहे, अपनी तरफ से उजरत दे दी उन्होंने, हमें अकेला नहीं छोड़ा।